लोग पूछते हैं कि इमरान खान रिहा कैसे होंगे, ये बहुत लोग पूछते हैं। ये मैं बताना चाहती हूँ, ये जो अहमकाना और बोगस केसेस थे जो ट्रायल कोर्ट में चले हैं, ये इतने बोगस हैं कि ये जब हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के जज मजबूर हो जाएंगे कि इनकी कन्विक्शन ख़त्म करनी पड़ेगी। इमरान खान का केस अब हाई कोर्ट में आ गया, आमिर फारूक और मियागुल हसन जज हैं। आज रोज़े के अंदर हम सब आए हैं और आज इमरान खान का जेल के अंदर अलकादर केस था, वो भी नहीं हम अटेंड कर सके। अगर हमें पहले से बता देते, कल ही बता देते कि देखें आप लोग यहाँ ना आए, एक नोटिस निकाल देते कि ना जज साहब आज होंगे, छुट्टी पे हैं, और जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी छुट्टी पे हैं, ना प्रोसिक्यूशन आई है, और आज आपने सारे लोगों को यहाँ बुला कर किस लिए बुलाया कि एक रोल कॉल ले लें? ये किस किस्म का निज़ाम है? आप एक दिन पहले कह देते कि जी आप लोग कल ना आए, और जिस केस में हमें सबको यहाँ पे बुलाया जा रहा है, मैंने शायद पिछली दफ़ा भी आपको बताया था, और इंशाल्लाह रमज़ान में आप हमारे साथ चलेंगे, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनसे ये तफ्तीश अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हम इनको लेकर जाएंगे, पहले सारे मीडिया को लेकर जाएंगे मॉडल टाउन, जहाँ से जो हमारा केस है, आप लोग पहले हमारी FIR ज़रूर सारे पढ़ लेना, उस FIR के मुताबिक हम उस रूट पे जाएंगे, आप और हम मिलके इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हम उसका वक्त देखेंगे कि हमने किस वक्त नून लीग का दफ्तर जलाया, उसके बाद हमने कहाँ जाकर कलमा चौक पे कंटेनर जलाए, और फिर हम पैदल चल के सारे दहशतगर्द और मीडिया, हम फिर जाएंगे कोर कमांडर के घर और बताएं कि हमने ये तीन चीज़ें